हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानसीज किचन। आज हम बनाएंगे चॉकलेट हार्ट्स एंड चॉकलेट लॉलीपॉप। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं और बनाने में बहुत ही आसान है। चॉकलेट सभी को खाना बहुत पसंद होता है, तो आप इसे अपने घर पे ट्राई करें, आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी। आज हम इसको एक ट्विस्ट के साथ तैयार करेंगे, जो आप आगे इस वीडियो में देखेंगे। ये गिफ्टिंग के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इसे चॉकलेट पेपर में रैप करके किसी को गिफ्ट करें तो ये बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री है। और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.cookwithmansi.com। आप इस वीडियो को अपने घर पे ट्राई करें और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये डाइजेस्टिव बिस्किट्स लिए हैं। सबसे पहले हम बिस्किट को मिक्सी में चर्न कर लेते हैं और इसका एक फाइन पाउडर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, बिस्किट्स का हमने पाउडर बना लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मेल्टेड बटर। अराउंड 3-4 टेबल स्पून हम मेल्टेड बटर इसमें ऐड करेंगे। आप अपने बिस्किट की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बटर ऐड कर लीजिए, लेकिन बटर आपको ज़्यादा ऐड नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना ही ऐड करना है जिससे कि आप इसे आसानी से बाइंड कर पाएँ। स्पून की हेल्प से इसे मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ ओरियो बिस्किट्स भी ले सकते हैं या फिर कोई और फ्लेवर, जो भी आपको बिस्किट्स का पसंद हो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप क्रीम वाले बिस्किट्स भी लेना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पे ले सकते हैं। अब मैं अपने हैंड्स यूज़ करूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे मेल्टेड बटर नहीं लेना चाहते तो आप मेल्टेड डार्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट भी यहाँ ले सकते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हमने इसे बाइंड करा है और ये आसानी से बाइंड हो रहा है, इसका मतलब अब ये तैयार है। इसको अब मैं दो बाउल्स में डिवाइड कर लूँगी, जिससे हम दो डिफरेंट फ्लेवर्स बनाएंगे। अब हम इस मिक्सचर को बटर पेपर पर फैलाएंगे और इसे हाथ से अच्छी तरह से प्रेस करेंगे, कुछ इस तरह से। सब तरफ से इसे एक सार कर लीजिए। इसको फैलाने के लिए आपको बटर पेपर का ही यूज़ करना है या फिर आप कोई भी प्लास्टिक बैग ले सकते हैं। इसको किसी भी प्लेट पे ना फैलाएं, नहीं तो ये बाद में आसानी से बाहर निकल के नहीं आएंगे। मिक्सचर हमारा पूरी तरह से सेट हो गया है। अब हार्ट शेप कटर लेंगे और इससे हम इस तरह से कट करेंगे। आप चाहें तो कोई और शेप भी दे सकते हैं। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब जितना भी एक्स्ट्रा है हम उसको बहुत ही हल्के हाथ से हटा देंगे। अगर इसे फ्रिज में रखने के बाद आप हटाएंगे तो ये आसानी से अलग नहीं होगा, इसलिए जितना पॉसिबल हो सके एक्स्ट्रा को आप हटा दीजिए। जितना भी एक्स्ट्रा था हमने इसको हटा दिया। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे 10-15 मिनट के लिए। जब तक हमारा मिक्सचर सेट हो रहा है, मैंने यहाँ पे एक बनाना लिया है। इसको सबसे पहले हम मैश कर लेते हैं, इससे हम दूसरा फ्लेवर तैयार करेंगे। अगर आप बनाना ऐड नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। बनाना अच्छी तरह से मैश हो गया है, इसको हम रिमेनिंग मिक्सचर में ऐड कर देते हैं। बनाना की क्वांटिटी आपको अपने मिक्सचर की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही लेनी है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हाथों से। इसको थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे ओट्स। एक बार में सारी ओट्स ऐड नहीं करेंगे, जितनी ज़रूरत लगे उस अकॉर्डिंग हम इसमें ऐड करते रहेंगे। ओट्स बहुत हेल्दी ऑप्शन होता है, बच्चों को लॉलीपॉप्स खाना पसंद होता है, तो आप इस फॉर्म में बना के दें तो ये और भी अच्छी लगेंगी। ये बची हुई ओट्स भी हमने ऐड कर दी हैं और अब ये मिक्सचर भी पूरी तरह से तैयार हो गया है। इससे हम राउंड बॉल्स बनाएंगे और लॉलीपॉप का शेप देंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से। अगर आप इसके लॉलीपॉप्स नहीं बनाना चाहते तो आप इसको भी कोई और शेप दे सकते हैं। सारी बॉल्स हमने बना के तैयार कर ली हैं। अब इसे भी 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये सेट हो जाए। हमारी हार्ट शेप बनके तैयार है।
15 मिनट बाद हमने फ्रिज में से इसको बाहर निकाल लिया है और आप देखिए कितनी आसानी से ये पेपर पे से अलग हो गई हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे बटर पेपर ही यूज़ करना है। इसी तरह से सारे हार्ट्स बाहर निकाल लेते हैं। बहुत सॉफ्ट हैंड से आपको ये काम करना है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। देखिए 15 मिनट बाद हमने बॉल्स को भी बाहर निकाल लिया है। इसमें अब हम टूथपिक लगाएंगे। मैं यहाँ टूथपिक लगा रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास लॉलीपॉप स्टिक्स है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से ये लॉलीपॉप्स बन जाएंगी। एक बार इसे हाथ से चिकना कर लेते हैं और इसे 5 मिनट के लिए फिर से फ्रिज में रख देंगे। जब तक हमारी लॉलीपॉप्स फ्रिज में सेट हो रही हैं, तब तक हम यहाँ पे ये मेल्टेड चॉकलेट लेंगे। चॉकलेट को मैंने मेल्ट कर लिया है थोड़ा सा बटर डाल के। मैं यहाँ डार्क चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ वाइट चॉकलेट भी ले सकते हैं। हार्ट को लेंगे और इसमें डिप करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है चॉकलेट बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। इसे मेल्ट करने के बाद आप इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आएँ, उसके बाद आप हार्ट्स को इसमें डिप करें और जितना भी एक्स्ट्रा है उसे चॉकलेट को हटा देंगे और इसको बटर पेपर पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये कुछ इस तरह से। इसको अब हम डेकोरेट करेंगे, जिसके लिए हम लेंगे यहाँ पे सिल्वर बॉल्स। आपके पास जो भी स्प्रिंकलर्स हों आप उससे इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इसी तरह से सारे हार्ट्स बना लेते हैं। इसके ऊपर मैं लगाऊंगी चॉकलेट चिप्स। इसके ऊपर मैं लगाऊंगी कलरफुल बॉल्स। और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी चॉकलेट वर्मिसलीज। हार्ट शेप हमारा बनके तैयार है। इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं। अब लॉलीपॉप्स भी हमारी पूरी तरह से तैयार हो गई हैं। इसको भी मेल्टेड चॉकलेट में डिप कर लेते हैं। फोक या स्पून की हेल्प से इसको इस तरह से कवर कर दें। जितना भी एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसको नीचे हटा दें। इसके ऊपर भी कलरफुल स्प्रिंकलर्स लगा देते हैं। ये मैंने लिए हैं यहाँ पे कलरफुल वर्मिसलीज। ये कुछ इस तरह से बनके तैयार हुई है। इसको बटर पेपर के ऊपर रख देते हैं और इसी तरह से सारी लॉलीपॉप्स बना लेते हैं। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ सिल्वर बॉल्स। आप चाहें तो यहाँ गोल्डन बॉल्स भी ले सकते हैं। और इसे भी फ्रिज में सेट होने के लिए हम रख देंगे। 15 मिनट बाद हमने चॉकलेट हार्ट्स और चॉकलेट लॉलीपॉप को फ्रिज में से बाहर निकाल लिया है और दोनों ही चीज़ें पूरी तरह से सेट हो गई हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं और ये देखने में भी बहुत सुंदर लग रही हैं। चॉकलेट्स बच्चों को भी बहुत पसंद होती है और बड़ों को भी बहुत पसंद होती है। आप इसे एक बार अपने घर पे ट्राई करें, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं इसका आंसर ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।